देखिए, आज एटा पुलिस के द्वारा तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तीन मामलों का खुलासा किया जा रहा है। एक तार चोरी का मामला है, बड़ा सेंसेशनल मामला था, जगह जगह जो है हाथरस से लेके आगरा फिरोजाबाद सभी जगहों पे ये खंभे तोड़ तोड़ के जो है उसमें तार चोरी कर लेते थे, बिजली के बड़े बड़े तार चोरी होते थे। तो इसमें जो गैंग वर्कआउट हुआ है, ये फिरोजाबाद का एक रहने वाला रमेश और आगरा दिगंबर पिंटू, ये दो लोग आगरा के रहने वाले हैं। इसके अलावा फरार अभियुक्त राहुल कालीचरण और पिंटू, ये भी फिरोजाबाद आगरा के रहने वाले हैं। इन सभी लोगों को जो है उसमें तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जो बरामद हुई है उसमें 8 क्विंटल जो है तार बरामद हुआ है। मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि ये लोग यहाँ से तार चोरी करके फिर उसके बाद में आगरा में जाके इसको कबाड़ी को भेज देते थे। उसके बाद में इसमें एल्यूमिनियम की सिल्ली वगैरह ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। कितने रुपये का तार कीमत होगी लगभग इसकी? लगभग ये 8 क्विंटल तार है, तो बाजार कीमत मेरे ख्याल से 15 लाख के आसपास होनी चाहिए इसकी। अब तक क्या इसमें बिजली विभाग के अधिकारियों को मिली भगत सामने आई है? देखिए, अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें क्योंकि लिमिटेड हमारी पूछताछ अभी तक हो पाई है, तो उस एंगल्स को जो है तलाश किया जा रहा है। क्योंकि तार यदि चोरी हो रहा है और उसमें बिजली सप्लाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं शटडाउन हो रहा है, उसके बाद ही तार चोरी हो रहा है, तो उस एंगल को भी देखा जा रहा है।